we continuously look at the data to guide our actions. 2019 और 2020 में हमने सितंबर और अक्टूबर में देखा कि नंबर ऑफ, आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2020 के सितंबर अक्टूबर में PM10 PM2.5 के कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा थे बजाय 2019 के। जब इसकी एनालिसिस की तो ये देखा कि 2019 में नंबर ऑफ रेनी डेज वेर मोर, एक बार जब बारिश होती है और जब वाइड स्प्रेड बारिश होती है तो डस्ट सेटल होती है, रीजनल बैकग्राउंड लेवल्स कम हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। तो नंबर ऑफ डेज हमारे 2019 में कहीं ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू 2020। पोल्यूशन का जो डिस्पर्शन में मदद होती है विंड से होती है और हवा चलती है तो जल्दी हम देखते हैं कि जैसे उसी तरह की एक्टिविटी के साथ में हमें मार्च में अप्रैल में बेहतर एयर क्वालिटी मिलती है। तो हवा एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से डिस्पर्शन होता है, उसके साथ ही मिक्सिंग डेप्थ होती है। जब पोल्यूशन हमारा जब होता है तो एक तो हवा के साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन होता है एंड देन इट ऑल्सो गोज अप डिपेंडिंग ऑन, वो थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्निकल है कि हमारा जो टेम्परेचर जिस तरह से एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ साथ घटता है उसमें कुछ बदलाव होता है तो उसकी वजह से पोल्यूशन का ऊपर जाना या नहीं जाना निर्भर करता है। तो वो मिक्सिंग डेप्थ यदि जितनी ज़्यादा होगी उतना वॉल्यूम उसको मिल जाता है पोल्यूशन को डिस्पर्स होने का और उस वजह से कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो ग्राउंड पे है वो कम हो जाता है। तो दोनों फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, ज़्यादा मिक्सिंग हाइट और ज़्यादा हवा, ये दोनों हैं तो बहुत बेहतर है। एक भी इसमें से कम होता है तो थोड़ा फर्क होता है और दोनों यदि कम हो जाते हैं जैसा कि विंटर में होता है दिल्ली लैंडलॉक्ड एरिया में, इन विंटर यू हैव एब्सोल्युटली नो विंड्स, कंप्लीटली काम कंडीशंस एंड देन मिक्सिंग डेप्थ ऑल्सो विच नॉर्मली इज मच हायर, 1000-2000 मीटर्स तक रहती है, 3000 मीटर्स तक रहती है, वो घट के केवल 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर हो जाती है। सो पूरा का पूरा सप्रेस हो जाता है हमारा जो वॉल्यूम है जहाँ पर डिस्पर्शन हो सकता है। तो विंटर में दीज टू थिंग्स यू नो हैव एक्सट्रीमली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ऑल द मिशंस दैट वी हैव। कि सितंबर अक्टूबर में इस साल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस वेर एक्सट्रीमली अनफेवरेबल इन कंपैरिजन टू द सिमिलर पीरियड इन द लास्ट ईयर।